हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज श्रुति अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर वीकली क्विज अभ्यास सॉल्यूशन वीक 20 12/11/2022 का, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन इसी पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होगा। तो आपको तीनों भुजाएं समान है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, जिसके प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मान होता है 180 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, समपंचभुज के अंत कोणों का मान कितनी डिग्री होता है, 108 डिग्री। 9 से विभाजित दो अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 10। वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुना भुजा, इस जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ताश के 52 पत्तों में लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/26। राधा की आयु अपने पिता की आयु से 10 वर्ष अधिक है, राधा के पिता की आयु 42 वर्ष है, तो राधा की आयु क्या होगी, 24 वर्ष। 856 में 4 जोड़ दिया जाए, -856 लिया, कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, 852। तब जोड़ेंगे ना तो माइनस में से घटेगा प्लस, तो यहाँ पर 852 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस है तो 4 जोड़ना है, तो 856 को जब आप लिखेंगे ना इस तरह से और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 852 आंसर आ जाएगा माइनस में। अगला क्वेश्चन है, 512 का घनमूल 8 × 8 होना 8। दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं लगाने पर कितने रुपये का चालान किया जाता है, 1000 रुपये का। एक गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4π² और जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, π r², परिधि होता है 2π r, ठीक है। अब देखेंगे सब्जेक्ट विज्ञान साइंस के क्वेश्चन आंसर। एक धातु का नाम बताइए जिसे मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम NaCl, तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु गैलियम। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। आवृत्ति का मात्र क्या है, हर्ट्ज। करंट को किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, HZ से प्रयुक्त करते हैं। हैजा रोग के जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलेरी। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध। वृषण से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है, पैदल यात्रियों की सड़क पार कराने के लिए। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। वह चिड़िया जो चौंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बनवावन की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो ये वह चिड़िया जो से लिया गया है पैराग्राफ कविता का, तो हमने देखा है, अगर आपने नहीं देखे हैं सब्जेक्ट हिंदी के हमारे चैप्टर्स तो आप ज़रूर से देखें, उम्मीद है आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। हमने सभी सब चैप्टर की जो वीडियो बनाए हैं वो एक एक वीडियो में ही आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारांश शब्दार्थ सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ समझाए गए हैं, तो आप ज़रूर से एक बार चेकआउट करें चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो। तो यहाँ क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के लेखक कौन थे, केदारनाथ अग्रवाल। अगला सेम पैराग्राफ है, संतोषी चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है, नीला। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया किसके लिए गाती है, जंगल के लिए। कविता में आई जुंडी शब्द का क्या अर्थ है, ज्वार की बाली। चिड़िया को अनाज के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों, क्योंकि चिड़िया को अनाज के दाने पसंद हैं, अनाज के दानों से चिड़िया का पेट भर जाता है, चिड़िया अनाज के दानों को बड़े चाव से खाती है, उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वह चिड़िया जो चौंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो सेम जो कविता आपका वह चिड़िया जो, उसी से लिया गया है ये भी पैरा। तो चिड़िया नदी से क्या ले जाती है, जल का मोती। वह नीले पंखों वाली चिड़िया है, वाक्य को पढ़कर विशेषण का भेद बताइए। तो विशेषण है सार्वनामिक, सर्वनाम विशेषता बता रहा है, ठीक है। कई सारी चिड़िया एक साथ गाती हैं, वाक्य को पढ़कर विशेषण का भेद संख्यावाचक, कई सारी इसमें संख्या है। अगला एक पैराग्राफ दे रखा है, हॉलैंड यूरोप का प्रसिद्ध देश है, तो उसी के बारे में बता रखा है। समुद्र तट पर कौन सा देश बसा हुआ है, हॉलैंड। अगला सेम पैरा है, पीटर किसका बेटा था, एक मजदूर का बेटा।
अध्यापक ने कितने घंटे बाद पीटर को छुट्टी दी? 2 घंटे बाद। तो ये डन होता है कक्षा 6 के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे समझ आ गए होंगे। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट जानकारी देखेंगे, चैप्टर्स देखेंगे रहे हुए। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।